आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे मजेदार नाश्ते की रेसिपी की जो बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाता है। सुबह में अक्सर हम सभी को भागा दौड़ रहती है और हम सोचते हैं कि ऐसा नाश्ता बनाया जाए कि जो कम मेहनत में बने, स्वाद में इतना टेस्टी हो कि सबको पसंद आए और साथ में सेहतमंद भी हो। तो चलिए आज हम कुछ ऐसा ही नाश्ता बनाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप साबुत मूंग ले लिए थे और इसे मैंने ओवरनाइट यानी कि पूरी रात भर भिगो के रख दिया था। पानी से 2 से 3 बार साफ कर लेंगे और फिर इसे पूरी रात के लिए भिगो कर छोड़ देंगे। कम से कम 5 से 6 घंटा इसे भिगो कर रखना बहुत जरूरी है। इतनी क्वांटिटी में से आप 3 से 4 लोगों के लिए ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस पानी में भिगोया था वो पानी को हम निकाल देंगे और इसे मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। तो आज हम इसमें से एक ऐसा बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाने वाले हैं कि जो प्रोटीन से बहुत ही भरपूर है, यानी पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी और कैलोरी भी इसकी कम है और स्वाद भी सभी को पसंद आने वाला है। तो बिना पानी डाले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। जरूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी हम बाद में डालेंगे इसमें। तो ग्राइंड करते वक्त आप पहले तो बिल्कुल पानी ना डाले और जरूरत पड़े तो पानी डाले। तो मैंने 1/3 कप पानी इसके अंदर मिलाया था। अगर पहले से ही पानी डाल देते हैं ना तो ये इजीली ग्राइंड नहीं होता है और उसका जो टेक्सचर होता है ना वो जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं मिलता है। तो अभी इसके अंदर हम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब सूजी डाल देंगे। तो घर में जो भी आपके पास छोटी बड़ी सूजी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 कप पानी लिया है। मिक्सर जार के अंदर ही हम पानी डाल देंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई बचा हुआ इसका पेस्ट हो तो वो भी इसके साथ आ जाए। मिक्स कर लेंगे। सूजी अभी अपने अंदर पानी एब्सॉर्ब करेगी, तो पानी की क्वांटिटी फिर आप बाद में इसके अंदर और बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले से इसे ज्यादा पतला ना करें। सूजी डाली है तो इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना बहुत जरूरी है। सूजी अगर अच्छी तरह से भीग कर फूलेगी नहीं ना तो हमारा जो नाश्ता है वो कुरकुरा नहीं बनेगा। तो जब तक ये रेस्ट करती है तब तक हम अदरक मिर्च और लहसुन की पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, 2 से 3 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है और एक छोटा टुकड़ा हम अदरक का डालेंगे। अदरक की जो ऊपर वाली सतह होती है यानी कि उसका छिलका है वो निकाल दें। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर पालक मिलाया है, तो पालक को मैंने ब्लांच कर लिया था यानी कि गर्म पानी के अंदर इसे थोड़ी देर उबाल लिया था, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो इसके अंदर हमने जो पेस्ट तैयार की है ना वो डाल देंगे। तो इसमें से आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा डोसा। तो पालक डालने से बहुत ही बढ़िया इसका कलर आता है, साथ में इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है ना वो भी बढ़ जाती है। बच्चे जब भी हम घर में पालक की सब्जी या ऐसा कुछ बनाते हैं ना तो देख कर मुंह फुलाते हैं, लेकिन आप इस तरह से बच्चों को पालक खिला सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तीखा आपको जितना पसंद हो उसके हिसाब से आप डालें। इसमें हम लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो तीखी मिर्ची आप उस हिसाब से डालें। तो मिक्स कर लेंगे और फिर जरूरत लगी तो हम इसके अंदर पानी भी डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तकरीबन मानिए 1/3 कप के करीब। तो पानी जो है ना वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें मिलाएं, क्योंकि कोई बार सूजी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई बार कम एब्जॉर्ब करती है। तो पानी आप उस हिसाब से डालें। जैसे हम डोसा बैटर बनाते हैं ना उस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पतला ना करें। जैसे हम रेगुलर डोसा बनाते हैं ना उसका जितना बैटर पतला होता है ये बैटर उतना पतला आप ना बनाए, इसे हमें हल्का सा गाढ़ा रहने देना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से। तो मैंने अभी यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब नमक मिलाया है। मिक्स कर लेंगे। इसकी खास बात यह है दोस्तों कि इसे हमें फर्मेंटेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना पड़ता है, सोडा भी नहीं डालना पड़ता है, इनो भी नहीं डालना पड़ता है, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा और जालीदार डोसा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने डोसा का जो तवा आता है ना वो रख दिया है। गरम कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा लोहे का डोसे का तवा है तो आप उसके ऊपर बनाइए, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर ये डोसे बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और चावल खाना अवॉइड करते हैं तब भी ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। टिश्यू पेपर ले लेंगे और तेल को हम चारों ओर इस तरह से फैला देंगे। गैस हमें फास्ट ही रखना है। जब ये तवा एक बार
बढ़िया सा गरम हो जाएगा ना, उसके बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमारा जो तवा है ना वो काफी गरम है, तो गरम तवे पर बैटर आसानी से नहीं फैलता है, तो उसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे यानी ठंडा करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब इसके ऊपर फटाफट से आप बैटर को फैला दें। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच बैटर ले लिया है, अंदर की ओर से बाहर की ओर फैलाते हुए हम ये डोसा तैयार कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर फर्मेंटेड हम फूड खाते हैं जैसे कि डोसा इडली, तो उससे कई लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये डोसा एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि इसमें हमें फर्मेंटेशन नहीं किया है। तेल लगा देंगे, जैसे ही ये पकता जाएगा ना इसका कलर हल्का सा चेंज होता जाएगा और बहुत ही आसानी से ये लोहे के तवे पर भी बन जाता है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा मलगा पड़ी जो मसाला आता है जिसे हम गन पाउडर भी बोलते हैं वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने चैनल के ऊपर दिखाई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास ऐसा मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा सांबर मसाला ले ले, मिर्ची का पाउडर ले ले और थोड़ा सा नमक डाल दे, तो वो मसाला मिक्स करके आप इसके ऊपर फैला सकते हैं। और इसे छुड़ाने के लिए थोड़ा सा जो आगे से धार वाला यानी कि इस तरह का स्पैचुला आता है ना, तो उसका इस्तेमाल करें, तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। और ये डोसा है ना, उसे हमें दूसरी ओर सेकने की जरूरत नहीं है, एक साइड ही हमें इसे सेकना होता है। तो देखिए आसानी से ये निकल भी आया है, लेकिन इसे हम क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ी देर और रखेंगे। किनारों से जब आपको ये हल्का सा ब्राउन दिखे तब आप उसे निकाल दें। तो अभी ये तो हो गया सिंपल डोसा, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं पसंद आएगा, तो बच्चे के लिए हम एक अलग से डोसा बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसी तरह की प्रोसेस हमें करनी है। आप थोड़ा सा पानी तवे के ऊपर छिड़क दें, उसे पोंछ ले यानी तवा का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा और एक डोसा तैयार कर ले। बच्चे है ना, तो ऐसे सिंपल सा जो खाना आप उसे सर्व करते हैं ना तो वो पसंद नहीं करते, लेकिन आप उन्हें थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीज पनीर ऐसा डाल के सर्व करेंगे तो वो खुशी खुशी खा लेंगे। तो अभी एक और डोसा इस तरह से फैलाकर तैयार कर लेते हैं, और आप इसे जितना पतला बनाना चाहें ना ऐसा बना सकते हैं। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे तब इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे ताकि आसानी से ये निकल जाए। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बटर पसंद है तो आप बटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्याज हम इस तरह से बारीक कट करके डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, आपके पास घर में सब्जियां है जैसे गाजर है, बॉइल कॉर्न है या बीट रूट है यानी कि चुकंदर, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो इससे इसकी जो वैल्यू है ना, न्यूट्रिशियस वैल्यू, मतलब ये बहुत ही हेल्दी सा बन जाएगा और पसंद भी आएगा सबको। थोड़ा सा पनीर इसके ऊपर हम घिस के डालेंगे और मलगा पड़ी मसाला भी डाल देंगे। आज मैंने सिर्फ पनीर का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो चीज भी इसमें डाल सकते हैं, बच्चों को चीज भी अक्सर पसंद आता है और पालक के साथ चीज का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ पनीर मिलाया है। तो पनीर को भी हम कद्दूकस करके डाल देते हैं। और ये डोसा अगर आप ठंडा होने के बाद भी खाते हैं ना तो भी स्वाद में उतना ही मजेदार लगता है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मलगा पड़ी पाउडर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम डालें, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, मतलब मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाती हूँ, तो क्वांटिटी कम डालें आप। उसी तरह से जैसे हमने पहले डोसा बनाया था उसी तरह से हमें ये तैयार कर लेना है, और इसे भी हम एक ही साइड सीक कर तैयार करेंगे। तो किनारे जब आपको हल्के से ब्राउन दिखाई दे तब आप इसे स्पैचुला से छुड़ा ले और ये अच्छी तरह से पक जाता है। दूसरी साइड इसे पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।